इसके अंदर ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन में बताया गया है क्या कि फ्रिक्शन की फोर्स एग्जिस्ट क्यों करती है। मैंने बताया था कि एक्चुअल में जो दो सर्फेसेस हैं उनके अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी होती है या सरफेस ऐसी होती है जिसमें मैंने बताया था कि वो इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो एक्चुअल में वो डायग्राम से बता रहा है कि सरफेस स्मूथ नहीं होती, सरफेस ऐसी होती है जिस वजह से क्या एग्जिस्ट करती है, फ्रिक्शन। ये भी हमने कर लिया। फिर इसके बाद स्टैटिक लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी हमने किया। मैंने न्यूमेरिकली दिखाया था स्टैटिक काइनेटिक लिमिटिंग ये कैसे होता है, तो इसके अंदर सेम चीज बता रखी है कि स्टैटिक लिमिटिंग काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बताया था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट करती है। मैंने न्यूमेरिकली समझाया था कि अगर मान लो बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए, आपने 1 लगाई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 1 है, 2 लगाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 है, 3 लगाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 3 है, ऐसे ही किया था। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन तो कॉन्स्टेंट है और एक ही वैल्यू रखती है, इसे डायग्राम से समझा दिया। इसने कहा मान लो इस बॉडी को हिलाने के लिए फोर्स चाहिए 10 न्यूटन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, 10 न्यूटन। मैंने जो फोर्स लगाई वो 1 न्यूटन लगाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, 1 न्यूटन। मैंने 2 लगाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, 2 न्यूटन। मैंने 3 लगाई तो स्टैटिक कितनी है, 3 न्यूटन। मैंने 10 लगाई तो मैक्सिमम स्टैटिक आ गई कितनी, 10। अब अगर मैंने 10 से ज्यादा लगाई तो कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी, काइनेटिक, बॉडी मूव करेगी। चाहे बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे चाहे बॉडी एक्सेलरेट करे, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन चलती बॉडी में हमेशा सेम वैल्यू रखती है, कोई डाउट इसमें, हमने न्यूमेरिकली डिस्कस किया था। नेक्स्ट है इसके अंदर जो अगला कॉन्सेप्ट है, ये ग्राफ का किया था कि शुरू शुरू में स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम और फिर काइनेटिक कॉन्स्टेंट हो जाती है, ये भी डिस्कस किया। लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर डिस्कस करते हैं क्या लॉज है स्टैटिक और काइनेटिक के।